जो विराजमान हैं जवाहर चौक भोपाल के इस भव्य धर्मसभा मंडप में, जिन्हें देख सुन करके हम नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग अपने जीवन की धारा को परिवर्तित कर रहे हैं, वे सारे लोग जो पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाण के आपके माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उन सब का और आप सब का इस मंच की ओर से मैं वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ आप सबको जोड़ने जा रहा हूँ। गुणातन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक, संप्रक श्रमण महामनामुराज प्रमाशा जी महाराज श्री चरणों से हम गुरुदेव से जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो, अतः मेरे साथ उच्चारिये नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुणायतन जो इस विश्व की अभिनव कृति प्रकट के रूप में प्रकट होने वाला है, उससे आज अपना सहयोग प्रदान करके श्रीमान हेमंत जी, अर्चना जी एवं सनील जैन मंदाग्नि भोपाल संबद्ध हुए हैं, यदि उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आज गुणायतन के हो गया बस आ जाएं, हेमंत जी, अर्चना जी आ जाएं, और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमान अनिल जी जैन RBI, सम्मान करेंगे इनका। आइए भाई साहब, हेमंत जी आप सम्मान करें, आपकी तालियां, आपकी करतल ध्वनि होती रहे। और गुणातन के ट्रस्टी ग्रुप में आज संबद्ध हुए हैं श्री विपिन जी, हेमलता जी, श्रीमान अंशुल जी जैन शाह, जवाहर चौक भोपाल, इनका सम्मान करने के लिए आ जाए श्रीमान विपिन जी, हेमलता जी, अंशुल जी शाह, जवाहर चौक भोपाल आ गए, आ जाए। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विजित जी पाटनी, श्रीमान अभिनंदन जी एवं श्री अमित जी टड़ैया भोपाल आएंगे, उनका सम्मान करके गुणायतन की महिमा को महिमा मंडित करेंगे। आ जाए, आपकी करतल ध्वनि लगातार बजती रहे। इन्होंने अपना एक ऐसा अभिनव उदारता के साथ कार्य किया है जो बारंबार प्रशंसनीय है, बारंबार श्लाघनीय है। हम इनके इस सत्कार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भावना भाते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब गुणायतन के शीर्ष में पहुंचें। इसी क्रम में मैं तैयार रहने के लिए कह रहा हूं, सम्मान करेंगे श्रीमान विजय जी पाटनी और श्रीमान अभिनंदन जी जैन, श्री अमित जी टड़ैया भोपाल, चंद्रभान जी जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जी जैन, ठीक है चलिए, श्रीमान चंद्रभान जी का हम सम्मान बीच में थोड़ी दूर रुक करके करेंगे, तैयार रहेंगे। हाँ, मैं परम पूज्य मुनिराज संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से निवेदन अर्पित करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, महाराज श्री इस कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिएगा और हमारी शंकाओं के समाधान कराने में कारण बनिएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी के गुरुवर के चरणों में अपन नमोस्तु करते हुए आज का इस शंका समाधान का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। और कल जहाँ पर समय के अभाव के कारण बहन का प्रश्न नहीं हो पाया था, सबसे पहले उन्हीं को आमंत्रित कर रहे हैं। डॉक्टर शिल्पी दीदी जो यहीं आपके इसी जवाहर चौक की गौरव हैं, जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। ब्रह्मचारिणी सपना दीदी भी उनके साथ में रहेंगी और ब्रह्मचारिणी शिल्पी दीदी अपना प्रश्न रखें, माइक वहां तक पहुंचाएं थोड़े से। हाँ माइक हो। आज के वर्तमान स्थिति के सभी युवाओं की मानसिक स्थिति को सुस्थित करने वाले मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराषि जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु, इक्ष्वामी जी के चरणों में छिल्लक जी के चरणों में इक्ष्वामी, इक्ष्वामी, इक्ष्वामी। महाराषि जी, मैंने इनफर्टिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर पर PhD किया हुआ है, तो मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट जुड़े हुए हैं जो फिजिकल इलनेस से रिलेटेड होते हैं और जो मेंटल इलनेस से रिलेटेड होते हैं। लेकिन महर्षि जी, मैंने फील किया है जो फिजिकल इलनेस वाले पेशेंट होते हैं उनके ऊपर सभी ध्यान देते हैं और उनकी बीमारी को क्योर करने के लिए भी सभी यथासंभव कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेंटल इलनेस से परेशान होते हैं पेशेंट उनके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। सभी को लगता है इनका नेचर चेंज हो रहा है, ये पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन इवन उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनको समझ नहीं पाते हैं और उनके साथ थोड़ा सा इरिटेशन वाला बिहेव करने लगते हैं। तो महर्षि जी, वो इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं पेशेंट की उनको सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं।
तो महर्षि जी, मैं चाहूंगी इस मंच से आप मार्गदर्शन दें कि ऐसे पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और वो पेशेंट अपने आप अपनी मेंटल कंडीशन को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। ओ नमोस्तु महाराज, आपने बहुत ही गंभीर प्रसंग उठाया। इलनेस तो इलनेस है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, हमें इलनेस से वेलनेस की ओर बढ़ना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि लोग अपने शारीरिक बीमारियों के प्रति जागरूक रहते हैं, मानसिक बीमारियों के प्रति प्रायः लापरवाह हो जाते हैं। आपने जो पेरेंट्स की बात की, मेरा तो मानना है न केवल पेरेंट्स अपितु पेशेंट खुद भी इस बात को स्वीकारने के लिए बहुत कम तैयार हो पाता है कि वो कहीं मानसिक रूप से किसी व्याधि से ग्रसित है। हर व्यक्ति को अपनी मन स्थिति का अंतर विश्लेषण करते रहना चाहिए और जब भी उसे लगने लगे कि हमारी मानसिकता कुछ गड़बड़ा रही है तत्क्षण उसके प्रति जागरूक होकर कुछ आत्म सुझाव से जुड़ना चाहिए, भावना योग करना चाहिए ताकि वो बीमारी पनपे ही नहीं। जैसे बीमारी के उभरने से पहले यदि चिकित्सा हो जाए तो बीमारी पनपती नहीं, वैसी मनोविकृतियों के उत्पन्न होने से पूर्व यदि हमने अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ लिया तो हम पर बीमारी हावी नहीं होती। तो सबसे पहले मैं सभी से कहूँगा, आज इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और जीवन में अप डाउन्स है कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मनोकायिक बीमारी से ग्रसित है। आप तो इसके विशेषज्ञ हो, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे। हमने एक आंकड़ा सुना था डीएनए का आंकड़ा, जब सुधीर चौधरी डीएनए का कार्यक्रम देते थे जब हम उदयपुर में थे, तब उन्होंने एक विश्लेषण दिया था और उसमें भारत में डिप्रेशन के शिकार रोगियों की संख्या 8.5 करोड़ बताई थी। अब 8.5 करोड़ बताइए तो रजिस्टर्ड, इससे कई गुने अनरजिस्टर्ड होंगे। तो मेरे हिसाब से कम 25 करोड़ आदमी तो केवल डिप्रेशन के शिकार, यानी हर चौथा पांचवा आदमी डिप्रेशन का शिकार। पर मैं मानता हूँ डीप डिप्रेशन से ग्रसित लोग भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि मुझे डिप्रेशन है। तो मैं पहली सलाह तो ये दूंगा कि बीमारियां हावी हो और हम उसकी चिकित्सा कराएं, ये तो बात का विषय है। बीमारी को हावी होने ही ना दे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोग इसी वेलनेस की बात करते हैं। व्यक्ति को कुछ आध्यात्मिक खुराक की जरूरत है। साधु संतों के सत्संग प्रवचन से वह खुराक बहुत अच्छी तरह मिलती है। मेरे संपर्क में ऐसे हजारों लोग हैं जो ये बताते हैं कि मैं पहले डिप्रेशन में था, अब उससे बाहर हो गया। सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जो ये तक कह चुके कि मैंने तो आत्महत्या का पूरी तरह मन भी बना लिया था, बाहर आ गया। तो ये अगर प्रारंभिक स्तर पर कर लिया जाए तो इन चीज़ों को बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आप अच्छे से जानते हैं कि ये जब बीमारियां गहरी हो जाती है तो दवाइयां भी काम नहीं करती, क्योंकि जितनी भी दवाइयां हैं प्रायः ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, शामक औषधियाँ हैं, ये केवल सपोर्टिंग है।
मूल तो व्यक्ति की मनोदशा को बदलना है। जब तक हमारी आंतरिक ग्रंथियों का स्राव परिवर्तित नहीं होता तब तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि हम उस अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो फिर बीमारी भी नहीं पनपेगी, चिकित्सा की तो बात ही नहीं बचेगी। तो वो हमें लेना चाहिए, और जो बीमारियों से ग्रसित है उन्हें बाहर की चिकित्सा के साथ साथ आध्यात्मिक चिकित्सा भी जरूर करना चाहिए। चिकित्सा के इस क्रम में एक और अच्छा प्रयोग है, खासकर डिप्रेशन से ग्रसित लोगों के लिए गायों के संसर्ग में रहना चाहिए। काओ यार्ड थेरेपी अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में बहुत तेजी से प्रसार पा रही है। वो गायों के पास कम से कम 20-20 मिनट का समय बिताते हैं, गायों से आलिंगन करने की बात करते हैं, गायों को सहलाने की बात करते हैं। हमारे देश में तो बहुत पहले से है। आप जाइए, गायों को सहलाइए, उन्हें चारा खिलाइए, उससे अपनी निकटता बनाइए, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। डॉक्टर सुहास शाह, जो मुंबई के बहुत बड़े चिकित्सक हैं, व्रती हैं आप जानते, उन्होंने इसी मंच से एक बार कहा था कि पूना में एक गौशाला है, संत तुकाराम गौशाला। उस गौशाला के जो संचालक है, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है, वो एक ही काम करते कि सड़क में जितने पागल मिलते हैं, आवार लावारिस पागल, उनको उठाते हैं, गौशाला में ले जाते हैं और उनको गायों के बीच रखते हैं, और 6 महीने से साल भर के भीतर वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं और गायों की सेवा करते हैं। तो ये चीज़ें कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये अनुभूत प्रयोग है, इसका लाभ सबको लेना चाहिए। निश्चित वो हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और आपसे भी मैं कहूँगा, आपने तो भावना योग का अभ्यास किया है, लोगों को उसके लिए प्रेरित कीजिए, बड़ा अच्छा परिणाम आएगा। आप भी पूछेंगे। ब्रह्मचारिणी सपना दीदी अपना प्रश्न पूछ रही है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी, श्वेता जी जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी संस्थापक सदस्य भी है। त्रैमुनि राजों के चरणों में बारंबार कोटिशय नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न 30 साल से चल रहा है, और ये प्रश्न रात दिन, फिर से बोलिए, शुरू करिए। ये प्रश्न मेरे दिमाग में 30 साल से है महाराज जी, और 30 साल से एक दिन भी नहीं होता कि मैं इस प्रश्न को भूल जाऊँ। हम लोग पापा जी के साथ 93 में सम्मेत शिखर जी की वंदना के लिए गए थे। हम 5 और 6 भाई बहन, 5 बहन 1 भाई, तो वहाँ पे पापा जी को हम लोगों के सामने गोली मार दी गई थी। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो उस टाइम हम लोगों ने इतना बंद बांध लिया था कि कभी शिखर जी नहीं आएंगे, और भगवान जी को भी बहुत बहुत बोला था कि ऐसे कैसे भगवान है, हम लोग इतने छोटे छोटे और ऐसा हुआ। तो उस टाइम से अभी तक हम लोग शिखर जी नहीं जा पाए, बस एक ही बार गए हैं। तो महाराज, ऐसा क्या बंध हुआ हम लोगों के साथ कि हम लोग को शिखर जी की बंधना नहीं मिल पा रही है? बहुत कोशिश कर रहे हैं महाराज जी, कभी नहीं जा पा रहे हैं, और ऐसा क्या अंतराय बंधा? देखिए, निश्चित ही आपके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। समेत शिखर जैसी तीर्थ क्षेत्र में किसी के साथ इस तरह का हादसा होना निश्चित दुखदायी तो है, लेकिन इन प्रसंगों को भी हमें थोड़ा सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। स्वाभाविक है, जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो मन क्षुब्ध होता है, और आप लोगों के मुख से यदि कुछ निकला तो वो उसी क्षोभ का परिणाम है। अब हमारे अंदर ज्ञान आ गया तो हमें उस कर्म को काटने का एक ही रास्ता अपनाना चाहिए। रोज भावना भाव समेत शिखर की भाव वंदना करें, आपका अंतराय टलेगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं समेत शिखर जी में था
2009 की बात बता रहा हूँ। एक सज्जन ने आकर मुझसे रोते हुए कहा कि महाराज जी, पहले तो कभी शिखर जी के भाव नहीं हुए, पर जब आप आए 2005 से 9 तक सातवीं बार शिखर जी आया हूँ आपके रहने पर हमारा जब जब मैं आया मौसम बिगड़ गया, बारिश तेज हुई, वंदना नहीं हुई, और दो बार ऐसा हुआ कि डोली वालों की स्ट्राइक हो गई, मेरी वंदना नहीं हो पाती। मैं यहाँ आता हूँ आपके दर्शन होते और बिना वंदना के लौट आता हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने उनसे कहा दो काम करो, पहला तो अब की बार वापसी की टिकट लेकर मत आओ, और दूसरी बात जब तक वंदना तुम्हारी ना हो जाए तलहटी पे जाके बैठो और जो वंदना करके आ रहे हैं उनकी वंदना करो कि आप धन्य हो कि ऐसे तीर्थराज की वंदना करो। उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह अपनाया और 2010 में उनकी सानंद वंदना हो गई। उसके बाद से उनकी निर्बाध वंदना है। इसलिए आपसे भी मेरा ये कहना है कि ये घटना घटनी थी, घट गई, इसे एक घटना की तरह देखिए और भूल जाइए। अपने कर्म के क्षोभ का भाव जगाइए और संकल्प कर लीजिए कि मुझे सम्मेत शिखर की वंदना करनी है, और जब तक सम्मेत शिखर की वंदना नहीं होती अपनी शक्ति के अनुसार किसी एक वस्तु का त्याग कीजिए, रोज भाव वंदना कीजिए, आपकी वंदना सानंद संपन्न हो जाएगी। जी बहुत कोशिश करते हैं, हर बार तैयार हो जाएगी, बाकी मैं बताऊंगा। चलिए, राजेश जी, श्वेता जैन गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में आज अपने इस सत्र में जो है प्रशांत जी जैन सेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ पर उपस्थित हैं, और अनन्य मुनि भट्ट अभी इस भोपाल प्रवास में जिन्होंने अपना तन मन धन गुरु चरणों में अर्पित किया, ऐसे वे अपना प्रश्न रखेंगे प्रशांत जी जैन के लिए। आप लोग जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, मैं मंदिर कहाँ से, मैं मंदिर का अध्यक्ष होने के कारण मुझे एक समस्या रहती है। आजकल मंदिर में विभिन्न मंदिरों के दान मांगने वाले बहुत आते हैं, और जो दुखी दुखी होते हैं कि बीमार हैं कुछ हैं, बहुत आगे बैठते हैं, मना करो तो दुख होता है, और बैठने दो तो समाज के लोग बोलते हैं कि लोगों को आप इतनी छूट क्यों दे रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दें, पूरे समाज को मार्गदर्शन दें। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हमें मंदिरों में एक अलग मद रखना चाहिए, वो मद धर्म प्रभावना के नाम पर होना चाहिए। मेरी बात को अच्छे से सुनिए, मंदिर में जो गुप्त दान की पेटियां होती है उस पेटी में एक पेटी धर्म प्रभावना के नाम की रखिए। आपके मंदिर में जो कलेक्शन होता है उसमें एक मद धर्म प्रभावना के नाम का रखिए, और कोई भी ऐसा आए तो उनसे कहिए हमारी आपके प्रति पूर्ण सहानुभूति है, पर हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, कोई बैठ के मांग नहीं सकता, आप बताइए, हमें आपकी बात उपयोगी दिखेगी, हम मंदिर कमेटी की ओर से आपको ये योगदान देंगे, और रसीद कटा के विदा कर दीजिए। कोई गरीब है, अभावग्रस्त है, पीड़ित है, उसको सहयोग कर दीजिए। अरे मंदिर से किसी को निराश करोगे तो क्या पाओगे, और मंदिर का पैसा केवल बैंक बैलेंस और एफडी बढ़ाने के लिए थोड़ी है। मैं तो आप सबसे कहता हूँ मंदिर के गुल्लकों में पैसा डालते हो ना, तो जिसमें धर्म प्रभावना और प्रबंध लिखा रहे तो उसमें ज़्यादा डालो, क्योंकि वो पैसा सीधे यूटिलाइज होगा, बाकी पैसा तो निर्माल होकर के बैंक बैलेंस में चला जाए। और इससे एक बात और बता रहा हूँ, पदाधिकारी भी पाप से बचेंगे। आप मंदिर के गुल्लक के पैसे से यदि धर्म प्रभावना के कार्य करते हैं और उन कार्यों में आपका खाना पीना भी जुड़ता है,
तो आप निर्माल्य का उपभोग करने के भागी बन रहे हैं, खाने वाला और खिलाने वाला बराबर से भागी। अब महाराज मैं जानता हूँ नहीं करे तो जेब से कौन लगाए, तो ये व्यवस्था है ना। मैं कई बार ये सुझाव दे चुका हूँ, पर बहुत कम मंदिरों में ऐसे गुल्लक देखता हूँ। और तुम जितने हो सब बनिया हो, तुम्हें आता पैसा अच्छा लगता है, जाता अच्छा नहीं लगता। मद रखो, उसमें लिख दो धर्म प्रभावना, उसी से सैलरी बांटिए, उसी से मैनेजमेंट कीजिए, उसी से आपत्ति विपत्ति के मारे लोगों को सहयोग दीजिए। और उसको क्लासिफाई करना है तो एक लिखो साधर्मी वात्सल्य। साधर्मी वात्सल्य, साधर्मी भक्ति शब्द का प्रयोग करो, वात्सल्य से भी अच्छा भक्ति। हम ये साधर्मी भक्ति के लिए दे रहे हैं, न धर्मो धार्मिक एर बिना। अगर आप लोग ये कर सको तो बहुत ही अनुकरणीय पहल होगी। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने अभी जिनको मैं पहचान रहा हूँ, पंचायत के अध्यक्ष, टीटी नगर के अध्यक्ष, तीसरे तुम अध्यक्ष तो हो ही, और भी मंदिरों के कोई अध्यक्ष हो, पहल की शुरुआत करो अपने अपने मंदिरों में इसकी शुरुआत। और भी है क्या, कौन से मंदिर के, मंदाकिनी, रुचि लाइफ, अच्छा अच्छा ये जो रखा हुआ है, अच्छा खुशी लाइफ, तो ये आप लोग शुरुआत कीजिए। अपनी अपनी कमेटी में इस मुद्दे को रखिए, और देश भर के लोग जो मुझे सुनते हैं वे अपनी प्रबंधकारिणी में मेरी एक क्लिप सुनाए और उसे रखिए। अपनी व्यवस्था हमें ही बनानी होगी, कोई दूसरा नहीं बना सकता। मुझे लगता है यदि इसे सभी अपना ले तो इससे अच्छा सॉल्यूशन और कोई दूसरा नहीं होगा। महाराज जी जब आपने पहली बार बोला था तभी उस दिन से हमारे यहाँ दो गुल्लक हैं, एक प्रबंध की और एक दान की। बहुत सुंदर, तो इसी से कर दो, किसी को बिठाओ मत, ठीक है। बिठाने में कई बार दुरुपयोग भी होता है। सेज यूनिवर्सिटी के प्रशांत जी जैन अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आनंद जी जैन जी न्यूज। परम श्रद्धे गुरुवर के चरणों में त्रिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, पुराने जमाने में तो ज्ञान के साधन बड़े सीमित हुआ करते थे। लोगों को ज्ञान लेना होता था तो बहुत उन्हें परिश्रम करना होता था, वो बहुत घूमते थे और बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती थी, तब जाके उन्हें ज्ञान मिलता था। लेकिन आज के टाइम में तो ज्ञान के साधन संसाधन इतने ज़्यादा हो गए कि आदमी आज एक बटन क्लिक करे तो उसे सारा समझ में आता है। लेकिन उसी ज्ञान को समेटने के चक्कर में और लेने के चक्कर में बहुत सारे पापों का बंधन बनता है, तो उन पापों से कैसे मुक्ति पाई जाए गुरु जी, बस यही चाहता हूं। देखिए बहुत अच्छी बात कही, पहले ज्ञान के साधन नहीं थे, आज ज्ञान के साधन बहुत हो गए और एक क्लिक में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि उस जानकारी के माध्यम से अनपेक्षित पाप हो जाता है, हम उन पापों से कैसे बचें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ, ज्ञान और जानकारी में बड़ा अंतर है। पहले लोग ज्ञान पाते थे, अब जानकारी पाते हैं। पहले लोगों के पास नॉलेज होती थी, अब कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ज्ञान जीवन को सही समझ देता है, जबकि सूचनाएं तो मात्र संग्रहित रहती है। जो सूचनाएं गूगल में हैं वही सूचनाएं आपने अपने दिमाग में एकत्रित कर रखी है, कोई ज़रूरी नहीं कि वह प्रायोगिक रूप में उतरे। दूसरी बात ये भी समझने की है कि हम जितना ज़्यादा यंत्र या तकनीक पर निर्भर करेंगे हमारी नैसर्गिक प्रतिभा उतनी कुंद होगी। गुरुदेव देवगढ़ में थे, 1988 की बात, मैं गुरुदेव के साथ था। वहाँ का मुख्य मंदिर, उसका शिखर लगभग 60-65 फीट हाइट पर, और शिखर के ऊपर जो अमला सार रखा था वो करीब 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का होगा और उसकी थिकनेस करीब 2.5 फीट से कम नहीं होगी। मैंने गुरुदेव से कहा, महाराज जी कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर,
उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी, कैसे चढ़ाया होगा इतने ऊपर, उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रेन नहीं तो क्या बात, ब्रेन तो था। तो मैं आपकी बात को रेखांकित करते हुए पहला वाक्य तो ये कहूँगा, पहले लोग ज्ञान की आराधना करते थे, आज ज्ञान का अर्जन करते हैं। आराधना में सिद्धि मिलती है, अर्जन में केवल संग्रह। समझ गया? आपने जो सवाल किया, जो आपके प्रश्न का मूल तत्व है, बहुत अच्छा है। व्यवसाय में होने वाले पाप के विषय में तो लोग फिर भी सोचते हैं, पर ज्ञानोपार्जन में होने वाले पाप पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। मैं सभी से कहूँगा, अगर आप किसी भी क्षेत्र में ज्ञान कर रहे हो, अर्जित कर रहे हो, उस ज्ञानोपार्जन में यदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई पाप होता है, बहुत सारे, जैसे आज मेडिकल की लाइन में जाएं तो संकल्प हिंसा भी हो जाती है डिसेक्शन के नाम पर, तो आपके हृदय में उसके प्रायश्चित का भाव होना चाहिए। और प्रायश्चित का एक ही उपाय है, ज्ञान पाकर संपन्न होने के साथ सेवा के कार्य में लग जाओ, आपका प्रायश्चित हो जाओ। सेवा भाव जगाकर आप अपने अर्जित पापों से बहुत अंशों में मुक्त हो सकें। नमोस्तु महाराज। हाँ। नमोस्तु। आनंदी जैन जी न्यूज अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में डॉक्टर पारसी जैन जी गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं। नमोस्त। हाँ। महाराज जी नमोस्त। हाँ। महाराज श्री, आजकल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग की बात की जाती है, बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स आते हैं, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, लेकिन जब तक हमें नेगेटिव आस्पेक्ट उसका नहीं पता होगा, तो हम आगे होने वाले नुकसान को या चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं? फिर से बोलो। महाराज श्री, आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, लेकिन हम किसी भी क्षेत्र में अगर हम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे, तो फिर हम कैसे आगे होने वाली नुकसान या चीज़ों को कम कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग का ये अर्थ थोड़ी है कि केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचिए, ये अर्थ नहीं है। कुछ भी हो तो ये समझिए कि सब सही है, नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब आप पॉजिटिव वे के साथ चलिए और गलत को गलत समझते हुए भी उससे सही हल निकालने का प्रयास कीजिए। समझ गए? अगर कोई पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ ये समझता है या ऐसा अर्थ करता है कि सब चीज़ों को केवल पॉजिटिव देखिए पॉजिटिव देखिए, तो ये बात सही नहीं है, ना ऐसा बताना चाहिए। सही क्या है? अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो हम उस गलत का कुछ व्याख्या सही करें। समझ गया? व्याख्या सही करें, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार को भी अपने आप के लिए स्वास्थ्य माने, बीमार दशा में भी अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ माने और अपनी बीमारी की अनदेखी करे, ये सही सोच नहीं है। पर बीमारी से ग्रसित होने पर चिकित्सा कराते हुए ये सोचे कि चलो इस बहाने अब मैं हेल्थ कॉन्शियस रखूंगा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दूंगा, ये सही पॉजिटिविटी। हमारे लिए एक अवसर है कि नहीं? बीमारी अपने आप पर संयम लाने का मौका है कि नहीं? तो किस एंगल से हमें पॉजिटिव होना है, ये हमें देखना चाहिए। डॉक्टर पारसी जैन भोपाल जो गुणायतन की ट्रस्टी है, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में बंधुओं, आज चार चंद्रमा एक साथ जुड़े हैं, चंद्रभान जी, चंद्र प्रभा जी जैन जो आज चंदा प्रभु गुणायतन में विराजमान है, और आज चंद्रवार भी है, सोमवार है, इसलिए चार चंद्र एक साथ में भी अपना प्रश्न रखेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें जो आज गुणायतन से जुड़े हैं। हाँ बोलो पारस भी, आप बोलो।
बोलो सभी गुरुवर, बोलो बोलो, हेलो, सभी गुरुवरों को नमस्तु। इच्छामि इच्छामि, मेरी जिज्ञासा यह है महाराज कि नई जनरेशन, जिसको आजकल जनरेशन जेड कहा जाता है, जब हम धर्म के बारे में और पॉजिटिविटी के बारे में बताते हैं तो वो ये सब तो समझ जाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग रहना है। मेडिकल साइंस में ये सिद्ध हो गया कि फॉरगिवनेस से इम्यूनिटी बढ़ती है, क्षमा करने से, ये सब बातें बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी बताते हैं, वो सब समझ में आती है। पर जहां हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो वहां उनको ऐसा लगता है कि एक जीवन मिला है, हम अगले जीवन का क्यों सोचें। तो क्या हम अप्रोच ऐसा करें कि इस जन्म का आपको इसी जन्म में प्राप्त होगा, और नेचुरली ये देखा भी गया है कई लोगों के साथ कि आप अच्छा करेंगे तो आपको कुछ दिनों में या कुछ सालों बाद अच्छा मिलता है। तो क्या ऐसा चेंज अप्रोच में किया जा सकता है महाराज? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो जिस भाषा में समझे हमें उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए, और ये कथन मेरा नहीं, आचार्य कुंद का है कि जिसकी जैसी भाषा हो उसको उसी भाषा में समझा। आज की जनरेशन अगर ऐसी भाषा में समझती तो मैं तो ऐसे ही समझ आता हूँ। मैं तो परलोक सुधारने की बात बहुत कम करता हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ इहलोक सुधारने के लिए धर्म करो, परलोक सुधारने के लिए नहीं। जो हमारा इहलोक नहीं सुधारेगा वो परलोक क्या सुधारेगा। इहलोक को सुधारने वाला धर्म नगद धर्म है, और परलोक सुधारने वाला धर्म उधार धर्म है। उधार में उद्धार नहीं, इहलोक सुधारिए। हाँ, आज सुधरेगा तो आने वाला कल भी सुधरेगा। तो हम तो आज के समय में जब लोगों को तत्वोपदेश देना होता है तो हम उनको इनर मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाना ज़्यादा सिखाते हैं और उसे प्रभुत्व देते हैं, परिणाम तो वो आगे भी आते हैं। और हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, आज की नई पीढ़ी को कोरे रिचुअल से आप धर्म से नहीं जोड़ सकते, उन्हें स्पिरिचुअल से जोड़ना चाहिए। और जब हम स्पिरिचुअल से जोड़ेंगे तो रिचुअल तो अपने आप फॉलो करने लगेंगे। तो पहले उनके हृदय में धर्म की स्वीकार्यता को बढ़ाइए, फिर जो उसमें से छनकर आए उनको तत्व का श्रद्धानी बनाइए। अगर इसमें आप सफल हो गए तो आप उनके जेहन में वह सब बैठाने में सफल हो सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसलिए सावधानी हमको रखना चाहिए। हाँ, चंद्रमान चंद्रप्रभा जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके उनके सम्मान के लिए बोलो जल्दी। सुदर्शन जी, हाँ जल्दी। गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमान चंद्रमान जी जैन, श्रीमती चंद्रप्रभा जी जैन, मास्टर मयूर रिटायर्ड वाणिज्य अधिकारी जवाहर चौक भोपाल, श्रीमती शुभ्रा जी प्रतीक जी के साथ चुना भट्टी के प्रवासी हैं, इन्होंने आप अपने आप संबद्ध किया है गुणातन से। बहुत बहुत साधुवाद करतन सोने के साथ साधुवाद प्रदान करते हैं। सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अरविंदी सुपारी ट्रस्टी गुणायतन एवं श्रीमान स्पवन जी सुपर ट्रस्टी गुणायतन आए सम्मान करने के लिए, और उनका सम्मान करके गुणातन की महिमा, हाँ एक प्रश्न भी करेंगे, महिमा को मंडित करेंगे गुणातन की महिमा आपकी करतल ध्वनि इनके लिए होती रहे। मोमेंटो मोमेंटो केवल मोमेंटो अरे मोमेंटो 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 लाइए मोमेंटो लाइए सुपारी मोमेंटो। और इसी क्रम में विपिन जी हेमलता जी जैन सह परिवार जो जवाहर चौक से आपके यहीं से संबंध है, आज उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए शाश्वत तीर्थराज समय स्वीकृति बनने वाले उस गुणायतन में आज संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी स्वीकृति दिए। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन, वो भी आ जाए। विपिन जी हेमलता जी भी आ जाए, वो भी अपना एक प्रश्न रख लेंगे। सवाल हेमलता जी नहीं आ गए, हाँ इनको। हाँ, अमित जी टड़ैया और विजित जी पाटनी यहाँ जवाहर चौक कमेटी के आप सदस्य और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, आ जाएं। और वो स्मृति चिन्ह देकर इनका सम्मान कर रहे हैं। आप जब तक अपना प्रश्न रखो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मैं वैसे तो आपसे 97 से जुड़ी हुई हूँ,
और आपकी एक एक चीज मेरे अंदर तक हम पति पत्नी के अंदर उतरी हुई है, अच्छे से पालन करने का प्रयास करती हूँ। बीच में मीडिया के अभाव में भले ही वो ना कर पाए हों, लेकिन आपका साहित्य पढ़ती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ गुरुजी, आपने जब से भावना योग मैं पारस चैनल पे देखा करती हूँ, मेरी ये स्थिति थी 5 साल पहले मैं करवट लेने में भी असमर्थ थी, लेकिन सबसे पहले आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला तो मैं उस कैंपस में लकड़ी के सहारे थोड़ा चल ली, और फिर लगातार आपका भावना योग मैं दोनों समय करती हूँ और ज़ोर से करती हूँ कि मेरा बेटा भी सुन सके दोनों समय, और उससे आज मैं आपके सामने हूँ तो मैं बिना स्टिक के भी चल सकती हूँ। लेकिन गुरु जी एक प्रश्न मेरा छोटा सा, मुझे कभी कभी अचानक ऐसे होता है बस अब मेरा दम निकल जाएगा, ऐसे चीज़ें होती हैं, उस समय ना मैं नमोकार मंत्र का स्मरण करती रहती हूँ, लेकिन ये सामने आ जाता है मेरा मन वहाँ मोह में कि इसका क्या होगा मेरे बाद, तो आप इसका हमको समाधान कीजिए गुरु जी कि हमारा अंतिम समय अच्छा निकल जाए बिना मोह के। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। दम तो एक दिन निकलना ही, अमर तो कोई नहीं है, काया अमर नहीं है और आत्मा मरती नहीं, तो पहली बात तो आप इन बातों को लेकर घबराए बिल्कुल नहीं। महाराज जी, रहा सवाल इसका, हर जीव का अपना पुण्य पाप है, हम कर्ता नहीं निमित्त हैं। एक बात अपने हृदय में बिठा लीजिए, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, अपने आप व्यवस्थाएं व्यवस्था। महाराज जी, मैं 2009 और 2010 में मैं अपने घर का रास्ता भूल जाती थी, लेकिन आप सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, मैं आपको दोनों समय सुनती हूँ और उससे मैं ना मैं महाराज जी मैं भगवान के माता पिता भी बन चुकी, आपकी एक एक चीज अक्षर सा पालन करती हूँ। नमोस्तु भगवान। लता जी जो आज सा परिवार से प्रश्न है, हाँ है ना, विपिन भाई प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में विक्रम जी जैन और विवेक जी जैन पूरी बिहार टीम के साथ में जो डुनाइटन के ट्रस्टी भी हैं और हमेशा आगे आकर गुरुवर की सेवा भी करते हैं और पूरा बिहार भी कराते हैं, ऐसे बिहार टीम के पूरे और सदस्य भी उनके साथ हो जाएंगे, विक्रम जी जैन और विवेक जी जैन दोनों ही। जब इकट्ठे हो जाए तब पूछना, तब तक दूसरे को दो, बुला लो सबको। हाँ बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जो बिजनेस है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से संबंधित है, शेयर से जब शेयर खरीदी बिक्री करते हैं तो उसमें ऐसे शेयर भी होते हैं जो चमड़ा वगैरह का और शराब वगैरह का होता है, तो वो क्लाइंट के लिए खरीदते बेचते हैं और उसका कमीशन हमें मिलता है, तो उससे हमें कितना पाप लगता है? पूरा पाप लगता है, उस कंपनी के शेयर का जितना लाभांश है जी आप ले रहे हैं, उस कंपनी के होने वाले पाप का उतना शेयर आपके खाते में जा रहा है। लेकिन क्लाइंट खरीद रहा है बेच रहा है महाराज जी, निमित्त कौन बन रहा है? नहीं, हम हाँ। आप जितना लाभ कमा रहे उतना जा रहा है, इसलिए मेरे संपर्क में शेयर बाजार से जुड़े हजारों लोग हैं जो आप जैसा ही व्यवसाय करते हैं और शीर्ष स्तर का व्यवसाय करते हैं, समझ गए, शीर्ष स्तर का। भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजर भी मेरे संपर्क में, आप लोग जानते हो, लेकिन वो लोग अपने उसूलों पर जीते हैं, ब्रोकर के ऊपर सब कुछ रहता है, क्लाइंट को कहाँ लगाना कहाँ से हटाना, इसलिए इस व्यवसाय में भावी पाप से बचने का एक सरल उपाय बताता हूँ, आप क्लाइंट को सेफ इन्वेस्टमेंट की सलाह दीजिए और उनको ऐसी कंपनियों के बारे में अपनी सम्मति मत दीजिए, उनको बता दीजिए कि भैया इसमें लाभ आज दिख रहा है लेकिन इससे ज़्यादा लाभ आपको इसमें मिल सकता है, डाइवर्ट कर दीजिए। चर्म निर्मित कारोबार से जुड़ी कंपनियां, मांस के कारोबार से जुड़ी हैं, पोल्ट्री से जुड़ी कंपनियां, शराब से जुड़ी कंपनियां, चमड़े के उद्योग से जुड़ी कंपनियां, पेस्टिसाइड से जुड़ी कंपनियां, जहां तक कि 5 स्टार होटल चलाने वाली कंपनियों के शेयर से भी दूर रहना चाहिए, समझ गए? आप देखिए किस में कर सकते हैं, उन सब में करें ज़्यादा उत्तम है। बारीकी से देखें तो इनमें हमारे संपर्क में तो कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, आपका बेटा चूंकि सीए है तो हालांकि उसका बिजनेस दूसरा है और आज सीए दिवस भी है, मैं उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी कहता हूँ कि आप तो ऐसे लोगों का ऑडिट भी मत कीजिए,
क्योंकि आप उनका ऑडिट करते हैं तो पाप के भागी बनेंगे। मेरे संपर्क में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक बड़ी कंपनी का नियमित ऑडिट करते थे, पर उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। जैसे ही पोल्ट्री फार्म खोला, उन्होंने ऑडिट करने से इनकार कर दिया। कंपनी वाले ने कहा, उस कंपनी को छोड़कर बाकी का ऑडिट करो। बोले नहीं, जिस कंपनी में पोल्ट्री की कमाई आएगी उसका एक पाई लेना भी मेरे लिए पाप है, मैं मना करता हूँ। बड़ी कंपनी थी, मोटी रकम मिलती थी। उसके मित्रों ने सलाह दी कि भैया इसमें तुझे लॉस होगा। बोले लॉस होगा मैं सह लूँगा, पर मुझे आज घी चुपड़ी रोटी खाने को मिल रही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने दृढ़ता से उसका त्याग किया और उसके बाद उसको एक कंपनी छूटी, 10 नई कंपनियां मिल गई और काम कर रहा है। तो ये दृष्टिकोण सभी को रखना चाहिए। हाँ बोलो विक्रम। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। बिहार टीम पूरी एक बार जोरदार तालियां उत्साही युवाओं के लिए। विक्रम जी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुनिसंड व्यवस्था समिति के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता अरविंद जी सुपारी, पवन जी सुपर, सभी साथी। नमस्ते महर्षि। आज का मेरा सवाल है कि अति सर्वत्र वर्जित वर्जयेत। हाँ हाँ हाँ। तो महर्षि, भक्ति और समर्पण अपने गुरुदेव या अपने भगवान के प्रति, ये वाक्य उस पर फिट बैठता है? बहुत अच्छा सवाल। अति सर्वत्र वर्जयेत, भक्ति और समर्पण या सेवा में भी ये लागू होता, बिल्कुल लगता है। भक्ति करो, अति भक्ति मत करो। समझ गए? तुम्हारी भक्ति और अति भक्ति में क्या मतलब? अपनी में सीमा में रहते हुए जो कर रहे हो कर्तव्य का पालन, वो भक्ति है। और भक्ति का जो अतिरेक है वो अति भक्ति है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, ये सब जगह लागू होता है। जाओ तुम लोग भैया। हाँ बोलो। हाँ सभी आ जाए। मुनिसंड व्यवस्था समिति और उसके साथ में श्री दिगंबर जैन पंचायत और जवाहर चौक के यहाँ की कमेटी। हाँ सभी लोग एक साथ ही हो जाए। जवाहर चौक की कमेटी, इसमें विनीत पाटनी जी प्रश्न करेंगे और अरविंद जी सुपारी, दो जन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज देश पूरा विश्व जो जगह जगह पर युद्ध हो रहे हैं, ऐसी पूरे देश पूरे विदेश में, तो जियो और जीने दो की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता पूरे विदेश पूरे संसार में हो गई है। इसके लिए जियो और जीने दो पूरे विश्व में हम इसका, इसका पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये भोपाल की मुनियों, भोपाल में मुनियों का प्रवेश कराने वाली टीम है, उसके कुछ लोग बचे और बहुत तत्परता से 1995 के चातुर्मास से अब तक ये लोग किसी न किसी रूप में रंग लगे हुए हैं। एक समय मुनियों के सारे कार्यक्रम मुनि संघ व्यवस्था कमेटी के द्वारा ही संपन्न होते थे। एक दौर बदला, उसका पूरा श्रेय इस कमेटी के सभी उत्साही कार्यकर्ताओं को जाता है। जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। आज अरविंद भाई ने कहा, महाराज कि आज पुराने लोगों को मौका मिलेगा। हमने कहा, भैया पुराना तो सबसे अच्छा होता है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो सवाल किया है, आज पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है और युद्ध के इस विषम दौर में जियो और जीने दो के संदेश को अनुगुंजित करना सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। हमें इसे बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम सह अस्तित्व की भावना नहीं जगाएंगे, विश्व में शांति नहीं होगी। एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलो। हम लोग क्या है कि महाराजों के पास जाते हैं मंदिरों में, कभी कभी नियम भी ले लेते हैं कि हम महीने में इतने दिन पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो महाराज जी, जैसे कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि किसी धार्मिक कार्य से या महाराज जियों के बिहार में या कहीं ऐसे कार्य में वो नियम थोड़े शिथिल हो जाते हैं। जैसे 20 दिन का नियम लिया है, पूरे 20 दिन नहीं हो पा रहे, तो इसमें क्या हमारे को दोष लगेगा या हम भाव पूजा कर सकते हैं? धर्म के कार्य में जा रहे हो,
तो तुम इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हो, काम नहीं जा रहा, लेकिन दुनियादारी के काम में छूट रहा है, तो गड़बड़ है। फिर दूसरी बात, कार्यकर्ताओं को नियम लेते समय अपनी स्थिति बता देना चाहिए। महाराज जिस दिन फ्री रहेंगे हम करेंगे, और जिस दिन आपके ही पीछे रहेंगे तो अब हम क्या करेंगे। मैं आपको बताऊं, 1988 में संघ में गुरुदेव ने बहुत सारे साधुओं को रमोकार मंत्र के कोटि जप का नियम दिया, मुझे नहीं बुलाया, मैं वहीं बैठा था। उन दिनों मैं सठखंड आगम का स्वाध्याय कर रहा था, और मुनि दीक्षा के तुरंत बाद मैंने ये संकल्प लिया था कि मुझे 6 खंड का, सठखंड आगम का, महाबंध और जयधवला का स्वाध्याय करना है। मैं स्वाध्याय में ही रमता था। कुछ साधुओं ने कहा, महाराज जी इनको भी नियम दीजिए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वो दूसरा काम कर रहे हैं, इनको नियम देने की जरूरत नहीं। तो साधुओं को भी चाहिए कि सामने वाले के कार्य क्षेत्र को देखते हुए नियम दे, और नियम लेने वाले को चाहिए कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करके नियम ले। अब 5 बजे सवेरे से हमारा विहार कराओगे, कल से ही नंबर आना शुरू हो गया। अब तुम 10-11 बजे घर पहुंचोगे तो अभिषेक तो छूटना ही है। तो जब भी नियम लो, इस बात को स्पष्ट करते हुए लो, तो कोई दुविधा नहीं होगी, और साधुओं को भी सामने वाले की स्थिति समझकर करना चाहिए। बहुत नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे एक प्रश्न था। हेलो। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी, आज से 2 दिन पूर्व आपके सानिध्य में शांति विधान का लाभ हमें प्राप्त हुआ, उसमें मैं भी था, मुझे भी लाभ प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर शांति विधान हुआ था, और उस शांति विधान में मेरी एक शंका थी गुरुवर, कि उसमें जो संस्कृत में आपने शांति विधान कराया था, पर उसमें हमें कई चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें हमारे भाव नहीं बन पाते थे संस्कृत में, और जब हम हिंदी का पढ़ते थे उसमें आपके बोलने के बाद में, तो हिंदी में हमारे अच्छे भाव बन जाते थे। तो संस्कृत में बोलने से ज़्यादा लाभ है या भाव के कारण ज़्यादा लाभ होगा, थोड़ा इसका हमका समाधान। देखो, चाहे किसी भाषा में बोलो, भाव का प्रभाव होता है। लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है कि भले समझ में ना आए, हिंदी की अपेक्षा संस्कृत में लोगों का ज़्यादा भाव लगता है, क्योंकि जब आप संस्कृत में बोलते हैं तो उसका फोनेटिक इफेक्ट भी होता है, वो मंत्र बन जाता है, समझ गए। और मंत्र की आराधना का आनंद भी अलग होता है। तो अगर आप उस भाव से कि कोई मंत्र का आराधन कर रहे हैं, तो मंत्र में केवल श्रद्धा अपेक्षित होती है, उसका अर्थ नहीं। श्रद्धा पढ़े, बहुत लाभ होता है। आप लोगों ने ये शांति विधान तो घंटे भर का विधान है, सिद्ध चक्र विधान का अनुभव याद करो ना। जी, बिल्कुल। बोलो, हिंदी वाले और संस्कृत वाले में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को, बोलो। संस्कृत वाला अच्छा ही होता है। हिंदी वाले में तो लोगों को जोड़ना मुश्किल होता है, संस्कृत वाले में मना करना पड़ता, भैया सीट फुल हो गई। अगर दोनों में उसको करें, हिंदी अनुवाद भी कर सकते। चलिए, प्रशांत, सुनीता, शुभम, सोनम जैन, सुखी, महाराज जी पूरे सभी को एक आशीर्वाद दें कि जब तक प्राणों में जान है, मुनियों की सेवा में भाव तो सबके। सुनो, मुनियों की सेवा नहीं, अब मुनि संघ व्यवस्था नहीं, मुनि संघ में मेरी अवस्था हो तब मजा, उसका फल प्राप्त करो। अब हो गया सारा काम, समझ गए, चौथे पन में आ गए हो, तब आगे बढ़ने की कोशिश करो, और मेरा अंत मुनियों की शरण में समाधि पूर्वक हो, ये लाभ होगा। चलिए चलिए आगे, आगे बढ़ा। सुनीता, शुभम, सोनम जैन, सूटी सिमनिया, जुगना इतनी ट्रस्टी है, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार हैं। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा, जो शिरोमणि संरक्षक है और हमेशा वैयावर्ती में संलग्न रहती है। ओम बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, हम जैसे वातावरण में रहते हैं हमारा मन वैसे ही हो जाता है,
हम सबके जीवन में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अच्छे माहौल में रहने से हमारे गुणों का विकास होता है, हम पॉजिटिविटी गेन करते हैं, बट बुरे माहौल में हमारे अंदर की अच्छाइयाँ स्लो स्लो कम होने लगती हैं और हम नेगेटिविटी गेन करने लगते हैं। कुछ अनविजल थिंग्स हमारे मन को बांध कर रखते हुए हैं और मुझे लाइफ में आसपास का माहौल बदलने की कोई राह समझ नहीं आ रही है। तो महाराज जी कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि हम अपने जीवन में गलत माहौल में रहकर भी अच्छे गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं। गलत माहौल में रहते हुए अच्छे माहौल का विकास कैसे करें, मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि हमेशा अच्छे संकल्पों से जुड़ो, अच्छा पढ़ना शुरू करो, अच्छा सुनना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि गलत माहौल का असर ना पड़े। बहन जी आगे आए इससे पहले हमारे बीच एक बहुत ही अलग प्रतिभा के धनी, नाम तो मुझे नहीं, अजय जी मेहता यहाँ उपस्थित हैं, जिनका एक बड़ा अच्छा प्रयास कि आचार्य महाराज के सारी तिथियों के तिथि की नोट का संग्रह इन्होंने किया, ले आइया, आज वो यहाँ समर्पित करना चाहते हैं। हमारे पिछले 27/6 का उन्होंने एक नोट भी समर्पित किया था, आज वो नोट समर्पित करना चाहते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दें। और चूंकि समय समाप्त होने वाला है और हाँ, उनके धन ले आइए उसको, यहाँ ऊपर आके सौंप दीजिए, दिखा दीजिए। और ओम, इनको बहुत अच्छा ये प्रयास है। कल हम लोग समसगढ़ में महामस्तकाभिषेक होगा और समसगढ़ की कमेटी को आशीर्वाद दे चुका हूँ। हाँ, कल हम लोग अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और रात्रि विश्राम संदेश जैन के फार्म हाउस में होगा और कल समसगढ़ में प्रातःकाल का प्रवचन और आहारचर्या होगी। ले आइए आप यहाँ जल्दी से। हाँ, बहुत सुंदर आचार्य महाराज की जन्मतिथि के नोट का इन्होंने संग्रह किया है, बहुत उत्तम। ये इस तरह के विभिन्न प्रकार के नोटों को किया है, हाँ, एक रुपये से लेकर 100 रुपये तक का इन्होंने किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहन जी सवाल करेंगे, चलिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है कि हमारे पास द्रव्य होने के बाद अगर हम कहते हैं कि अभी हमारे पास है नहीं या अभी हम सोचेंगे विचारेंगे तो इसमें हमें कौन सा कर्म बनता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संपन्न होने के बाद, धर्म धन होने के बाद भी अगर कोई कहता अभी मेरे पास नहीं है, हम सोचेंगे विचारेंगे, तो अपने भावी दारिद्र को प्रकट कर रहा है। इससे तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। अगर तुम्हारे पास है और देने की इच्छा नहीं है तो इसमें कोई बुराई नहीं कि मैं इस पर विचार करके दूंगा, लेकिन मेरे पास होने पर भी नहीं है ये कहना अच्छी बात नहीं है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। नमोस्तु। नमोस्तु।